गीता कहती है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। वो मेरा योग भ्रष्ट साधन करता करता भक्त मर गया, स्वर्ग में रहा, फिर उसकी इच्छा वो स्वर्ग का सुख भोग कर जब इच्छा होती है तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे पवित्र श्रीमानों के घर जन्म देता हूँ अथवा किसी योगी के कुल में उनको जन्म देता हूँ। जैसे नारायण है तो बंगाली साधु था वो अगले जन्म में, इसीलिए जन्म जात इसको सब सुविधाएं मिली है, सब यश गाड़ी मोटर साधन भजन सब। और फिर भी सब होते हुए भाई साहब फक्कड़, वो बंगाली साधु था, चावल खाता था, केशवानंद उसका नाम था, नल गुफा में रहता था। जब हम नल गुफा में रहे वो तो साधु तो चल गए थे, फिर वही आया हमारे घर, अभी भी चावल उसको बहुत प्यारे लगते हैं, अगले जन्म की आदत है। पुत्र नारायण का पालन पोषण प्रारंभ से ही बापू के कठोर अनुशासन में हुआ। उनकी दिनचर्या माता पिता को दंडवत प्रणाम से शुरू होती। पिता के स्नेह सानिध्य में ही शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। संत महात्माओं का संग उन्हें सहज ही सुलभ रहा। ब्रह्मनिष्ठ योगी के कुल में जन्म लेने के कारण साधना और उपासना उनके जीवन का अंग बनी। पिता का प्यार, सद्गुरु का मार्गदर्शन। पिता के रूप में पूर्ण पिता है, मेरी नजर में पूर्ण पिता है, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूते हुए भी व्यावहारिक जगत में भी पिता का स्नेह पिता का प्यार मुझे बहुत मिला है। बापू ये कहते हैं कि मैं गुरु भी हूँ, पिता भी हूँ और मित्र भी हूँ, इसलिए मेरे को केवल पिता और गुरु का फायदा नहीं है, मेरे को तीन फायदे हैं। मित्र हैं तो वही हैं, पिता हैं तो वही हैं, गुरु हैं तो वही। विश्व के कण कण में व्याप्त परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले बापू जैसे ब्रह्म ज्ञानी संतों को परिवार, जाति, धर्म, संप्रदाय, देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे संतों का जो भी कार्य होता है वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है। बापू के पास आकर सभी मार्ग के यात्रियों को विश्राम मिलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध आदि विभिन्न पंथों और पद्धतियों के लोग उनमें अपनी अपनी मंजिल की झलक पाते हैं। उनके आकाश में सभी का समावेश होता है।